हे गाइस, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ फ्रेम की शॉप में, जहाँ पर मैंने ऑर्डर देके फ्रेम बनवाया अपने फ्रेंड के लिए। तो अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं उसके लिए कौन सा लूँ। तो अगर वो ये व्लॉग देख रहा होगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि मैं कितनी कन्फ्यूजन में थी कि मैं क्या लूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स पसंद आ रही थी जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी। देन उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्डर पे बनवाई है, और मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊंगी, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी ये कहाँ पर है। तो आप लोगों ने मेन घंटा घर तो देखा ही होगा, उसके पास पे ही अगर आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो वहीं पर ही आपको बहुत सारे फ्रेम वाला मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर इतनी सारी फ्रेम्स रहेंगी। तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ राम मंदिर के काफी ज्यादा गाने चल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा लेती हूँ। और शॉप देखोगे ना आप, काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ मटेरियल यूज होता है। तो मैंने अभी पैक करवाने के लिए उन्हें बोल दिया, पर उनके पास एक बॉक्स सही है, तो वो पता नहीं कैसे जुगाड़ करके एक बॉक्स का इंतजाम कर रही हैं, क्योंकि इन फ्रेम्स में बॉक्स नहीं आते हैं, जो बने बनाए फ्रेम्स होते हैं उनमें बॉक्स आते हैं। ओके, तो फिलहाल मैंने इन्हें बोल दिया है कि पैकिंग वगैरह कर दो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एड्रेस तो बता ही दिया है, मेन घंटा घर के सामने आपको शॉप दिख जाएगी। ओके, तो इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज, और मैंने इन्हें थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हुए 900 का इन्होंने लगा दिया था। तो मैं काफी ज्यादा खुश थी कि इन्होंने थोड़ा तो कम करा यार, मतलब इतनी ज्यादा किचपिच करने के इन्होंने कर ही दिया। तो अभी फिलहाल ये गिफ्ट रैप कर रहे हैं, पर जो मुझे इनका गिफ्ट रैप करने का तरीका है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती हूँ, मैं सच बताऊं तो बहुत ही मतलब अजीब तरीके की रैपिंग करी हुई थी, पर गिफ्ट जो था ना वो बहुत ज्यादा भारी था। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि इतनी ज्यादा भारी गिफ्ट को मैं कैसे उठाऊंगी। तो गाइज अभी फिलहाल फटाफट से रैप करवाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रही है। ओके, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज़ नारी फ्रॉम देहरादून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है हमारी फ्रेंड का रिसेप्शन, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, और जब मैं रेडी हो जाऊँगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे फैमिली वालों का भी कुछ पता नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड वगैरह रेडी हो चुके होंगे अभी तक। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारा क्या प्लान है। ओके, तो ऐसी ब्लॉग में बने रहिए और ऐसी मुझे प्यार देते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो अभी हम निकले नहीं हैं, फटाफट से निकलते हैं, मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है, और आप लोगों को मिलते हैं सीधा रिसेप्शन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो देखिए हम लोग जा रहे हैं और मम्मी भी है। मम्मी हेलो करो। मम्मी हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हो? हम शादी में जा रहे हैं। और पीछे देख रहे हो गिफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को वही मिलते हैं। और मैंने ये जैकेट पहन रखी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है देहरादून में, और वहाँ जाके मैं जैकेट उतार दूंगी तब वहाँ ठंड नहीं लगेगी। लग भी सकती है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गार्डन वाला एरिया है। मम्मी कह रही गर्म एसी रहेगा वहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम तेल डलवा रहे हैं और फिर उसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं सीधा रिसेप्शन में। प्रज्ञा अभी पहुंची नहीं है, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है, तो उसको उठाते हैं और फिर निकलते हैं। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस, आरुषि आ चुकी है, हेलो कर। कल भी तू मस्त लग रही थी, अभी तो खैर तूने जैकेट पहनी नहीं है तो मेरे को पता नहीं चल रहा। ठीक है, पर यार ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा। पता तेरे को बारात पहुंच गई? नहीं तो क्या, और हम लोग लेट है, 9 बज गए। कितने बजे पहुंची? अभी तो दीपक का फोन आया, तुम अभी तक नहीं पहुंची कि बारात तो पहुंच भी गई। और आरु वो क्या कहते हैं, प्रज्ञा पहुंचने वाली है। हमें कितने लगेगा? हमें लग ही जाएंगे 10-15 मिनट। पहुंच जाएंगे अप्रोक्स, है ना भाई? 10-15 मिनट तो लगेंगे ही। क्या, मैंने कहा 10-15 मिनट तो लगेंगे ही। 5-6 मिनट, ये तो अलग ही है, 5-6 मिनट बोलता है हर चीज में। ठीक है, तो फिलहाल हम मिलते हैं आप लोगों को सीधा वहीं, क्योंकि बारात तो आ चुकी है। हमें बारात देखनी थी यार, डांस करना था मुझे। अगर हम पहले निकल जाते ना, पर उसको मिलना था, तो इसीलिए मैं तो रुकी। हाँ, स्कूटी में ठंडा और चलाने का भी रहता है मेरे को, तो क्योंकि हील्स और बूट्स। तो हील्स में पहन के लाई ना? हाँ, हील्स पहन के। हाँ बस फिर ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं प्रज्ञा क्या पहन के आती है। तो सूट पहन के आई है, मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो देखते हैं फिर। ठीक है, बने रहना ऐसी ब्लॉग में।
ठंडा तो बिल्कुल नहीं है। हेलो, और ये तो थका ही नहीं है, दूल्हे का भाई है, और ये दूल्हे का भाई है, दूल्हे का भाई हाई कर दूंगा। अब म्यूजिक बंद हो गया यार, मजा नहीं आता बिना म्यूजिक। ये लोग किधर चले गए, हमें फोटो खिंचवानी है, देखना वो सबसे आगे भाई आजा अर्शी। गिफ्ट अभी थोड़ी देर में सुन अभिषेक, अभी देते हैं गिफ्ट जब स्टेज में जाते हैं ना, कसम से लेकर आ जाए फिर लेकर। क्या उसे देनी है, ब्लॉग बन रहा है रिक्शा तो नहीं आ हे गाइस, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हमारा चल रहा है फोटो शूट, तो फोटो शूट करवाने सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे कैमरामैन बोल रहा है यार कब तक करवाते रहोगे, तो हम लोग एक ही फ्रेम में इतने अच्छे लग रहे हैं। और जितने भी हम लोग हैं ना सब सारे बचपन के फ्रेंड हैं हम, जो हमारी स्कूलिंग हुई थी वो बिंसर अकेडमी से हुई थी, तो वो बहुत ही मतलब छोटा स्कूल था और उस टाइम पे हम लोग थे LKG में, तो LKG से हम लोग एकदम साथ है। फिर उसके बाद सब लोग अलग अलग स्कूल में चले गए थे, अलग अलग कॉलेज में, और अभी भी हम लोग साथ है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये देख के। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम भी गिफ्ट दे देते हैं, तो बाकी सब लोगों ने तो पैसे वगैरह ही करवाए, देन उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम गिफ्ट देंगे, क्योंकि मुझे गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता है। और बाकी मैंने उसे गिफ्ट टैग कर लिया है, तो वो जरूर देख लेगा ये व्लॉग, ठीक है, और उसके लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल रहेगा ये व्लॉग, तो इसीलिए। और आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, कि मैंने बहुत ज्यादा शिद्दत से बनाया है, और सच बताऊं हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और लास्ट में मैंने इसको बोला कि यार हमारा गिफ्ट ना संभाल के रखना, क्योंकि ये कांच का है और काफी ज्यादा स्पेशल है, और उसके लिए सच बताऊं मैं स्पेशल गिफ्ट ही लिया है मैंने। देन लास्ट में हमने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, और हमने इसका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, और जो फोटोग्राफर है वो भी चिढ़ जाएगा यार कितना बैठे रहोगे तुम लोग। तो अब हम चलते हैं अलग से फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पर दीपू मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे व्लॉग में जरूर ले लेना, क्योंकि तूने मुझे कॉकटेल पार्टी वाले व्लॉग में नहीं लिया था। तो फिलहाल अभी हम लोगों का ही आपस में फोटो शूट चल रहा है, और दुल्हन की एंट्री होने वाली है बस, और दूल्हा यहाँ पर वेट कर रहा है। तो गाइज ये पूरा व्लॉग देखना आप नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय।